यदि मन को रोकना है तो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात सत्रवः शांता साधवः साधुभूषिणः। हमें सहनशील होना होगा। सारी फसाद की जड़ मन ही होता है। मन यदि संसार से जुड़ा है तो यही बंधन है, और मन यदि भगवान से जुड़ गया तो यही मोक्ष है, है ना। मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही बंधन है, और मन ही भाई चाबी से ताला बंद भी हो जाता है और उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। यदि ये मन संसार में लगा, पति पत्नी बेटा बेटी नाती पोता घर परिवार में, तो ये मन बंधन का कारण है। और यही मन संसार से हट के यदि भगवान के श्री चरणों में लग जाए तो यही मन मोक्ष दिलाता है। मन ही मोक्ष है और मन ही अधोगति है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। इसलिए मन को भगवान में समर्पित कर दो। और एक बात बताएं मैया, यदि सुई हिलती रहेगी ना तो उसमें धागा कभी नहीं जाएगा। सुई स्थिर होती है तब धागा जाता है। भटकता हुआ मन होगा तो उसमें भगवान कभी नहीं बैठते। यदि मन स्थिर हो जाएगा आपकी तपस्या के द्वारा, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, तो उस स्थिर मन में जाकर भगवान प्रवेश कर जाएंगे। मन कैसे वश में करना है? मन को वश में कर, आप लोगों का मन भटकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो फास्ट। भटकता है तो मैं उपाय बता रहा हूँ मन को वश में करने का। मन को वश में करना है, सत्संग कीजिए, बार बार कथाएं सुनिए। भाई एक ही पत्थर पर एक ही जगह बार बार चोट मारने से ना पत्थर टूटता है। आपने एक चोट पत्थर में यहां मार दी, एक चोट वहां मार दी, ऐसे में पत्थर टूटेगा? एक ही जगह पर अनेक बार चोट मारिए। उसी प्रकार भागवत जी को अनेक बार सुनिए, सत्संग की और कीर्तन की, भगवान के नाम की जब चोट बार बार पड़ेगी तो मन अपने आप आपके वश में हो जाएगा, संसार से मन छूट जाएगा। मन की जितनी भी गांठें हैं खुल जाएंगी, मन की मलिनता धुल जाएगी। तो मन को वश में करने का उपाय क्या है? सारी झंझट मन की है। आपको दुखी कौन करता है? अरे गुजारा तो जरा सा मंगलसूत्र इतना पैंडल है आपका उसमें भी हो जाता, पर बड़ा सा होना चाहिए मंगलसूत्र, रानी हार, ये किसकी इच्छाएं हैं? मन की। गुजारा तो जरा सी झोपड़ी में हो जाता है, बड़ा सा बंगला होना चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे गुजारा तो बैलगाड़ी से भी होता था, पर बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, किसकी इच्छाएं हैं? अरे सारी जिंदगी आप अपने मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, मुझे बताओ जरा, सारी जिंदगी आपकी लग गई मन की इच्छाएं पूरी करने में, क्या मन की इच्छाएं पूरी हो सकी? मैया बताओ, आप में से कितनों के मन की इच्छाएं पूरी हो गई? जब से आपने होश संभाला है तब से खाते चले आ रहे हो, क्या खाने से पेट भरा? इतने वर्ष हो गए भोग भोगते आपको, क्या भोगों को इतनी बार भोगने के बाद आपको तृप्ति मिली? सारी जिंदगी आप भोग भोगते रहे, खाते रहे, पैसा कमाते रहे, अरे पैसों से भी किसी को तृप्ति मिलती है क्या? ये संसार हमें ठग रहा है। हम पैसों के नाम पर, भोगों के नाम पर ठगे जा रहे हैं, मन हमें ठग रहा है। इसलिए मन को भोगों से हटाकर भगवान में लगाओ, यही समझदारी है। ये भोग तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भोग तो लिया था पिछले जीवन भर में, भोग ही भोग भोगा शादी के बाद से लेकर। कब तृप्त हुआ मन? मुझे तारीख बताओ कि कब आप ये कहोगे कि बस अब नहीं? ऐसा दिन आएगा? कभी नहीं आएगा। इच्छाएं अनंत हैं, इन इच्छाओं का कोई अंत? इसलिए भगवान में मन लगा देना ही है ना, समझदारी है।